निंग स्टूडेंट्स टुडे वी बिल लर्न अबाउट द एबनॉर्मल मालिकुलर मास एक्चुअली अभी तक हमने ये सीखा कि कैसे किसी नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का मालिकुलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूली बट व्हेन मालिकुलर मास इज डिटर्मेंट More often, we notice that the molecular mass is found to be different from their normal molecular mass. Especially, this happens with electrolyte solute. Now, what is the reason behind this? Why, when we take electrolyte solute, then द वैल्यू ऑफ मालिकुलामास डिटमिन बाई यूजिंग एनी ऑफ द कोलीगेटिव प्रॉपर्टी इज फाउंड टू बी डिफरेंट सो वाट कैन बी द काज तो इट बी लुक इन टू द मैटर तो हमें दो मेन काजेज़ यहाँ पर पता चलता है एक तो ये हो सकता है कि जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं मालिकुलामास के डिटमिनेशन में तो सोल्यूशन को आइडियली बिहेव करना चाहिए दूसरा ये हो सकता है कि जो सोल्यूट है उसके नंबर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट चेंज नहीं होने चाहिए मतलब सोल्यूट शुड नॉट अंडर गो एनी एसोसिएशन आर डिसोसिएशन इन द गिवन सॉल्वेंट तो ये दो मेन चीज़ें मिलती हैं कि हो सकता है कि सॉल्यूशन आइडियल ना बना हो दूसरा हो सकता है कि सोल्यूट गिवन सॉल्वेंट में डिसोसिएट या एसोसिएट हो जा रहा हो तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन अगर आइडियली बिहेव नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं सो वी कैन मेक सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट

प्रोटेक्ट द फ्राम अंडर गोइंग डिसोसिएसन आर एसोसिएसन हम रोक नहीं सकते हैं अगर हम सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में रखेंगे और वो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो या तो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट इन विच द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज़ पुट नाउ अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे चेंज हो जाएंगे जैसे अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा हो जाएगा एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएगा और सिंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चेंज हो जाएगी और मालिकुलर मास जो डिटर्मिन होके आएगा उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी सो दिस कैन बी कम्पनसेट जो डिफरेंस आ रहा है मालिकुलर मास का उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ वन टाफ फैक्टर दैट इज डेनोटेड एज आई नौ एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए कि के सी एल का केस है और इसको हम एक्वल्यूशन में रखते हैं तो के सी एल का हर एक जो फार्मूला यूनिट है वो डिसोसिएट होता है और के प्लस और सी एल माइनस बनाता है तो हम ये देख रहे हैं कि इसका एक पार्टिकल डिसोसिएट होकर दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल या आयन की संख्या क्या हो जा रही है डबल हो जा रही है तो चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की संख्या डबल हो जाएगी और माली मास को क्या हो जाना चाहिए हाफ हो जाना चाहिए सिमिलरली अगर हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में रखते हैं तो ये डाइमर बनाता है क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करने लगती है और नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो जाना चाहिए और मालिकुलर मास को डबल हो जाना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज डिस्क्रिपेंसिस वान टाफ फैक्टर इज यूस्ड एंड दिस फैक्टर इज डोनेटेड एज आई अब आई है क्या इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मालिकुलर मास टू द दबजब मालिकुलर मास नॉर्मल मालिकुलर मास क्या है जो एटॉमिक मासेस को जोड़ के कैलकुलेट किया जाएगा और ऑबजब मालिकुलर मास वो है जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है चूँकि मालिकुलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सो वांठा फैक्टर इज इक्वल टू आबज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपान कैलकुलेटेड आर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वान्ठा फैक्टर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन आर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन आर डिसोसिएशन वी विल डिस्कस one by one. First is the case of dissociation. Here, we notice that the value of i is greater than 1. So, for example, if you take KCl in water, it dissociates to form K plus Cl minus, so number of particles become 2 and before it is 1, so it is 2. Similarly, if we take uh, K4 FeCl6, then in aqueous solution, it gives 4 K plus ion and 1, this कॉम्प्लेक्स आय एफिसिक्स फोर माइनस सो नंबर ऑफ पार्टिकल बिकम फोर पोटेसि और एक हेक्सा साइनो साइनाइड हेक्सा साइनाइडो रेट सेकेंड आय ये मिल जाएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल चार ये और एक काम्प्लेक्स पार्टिकल ये पाँच हो गए फाइव अपन वन तो वन ट फैक्टर की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो क्या रही फाइव तो डिसोसिएशन के केस में ध्यान रहे कि आई की वैल्यू हमेशा वन से ज़्यादा होगी एक uh, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है द वैल्यू ऑफ वंट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन आर लेसर देन वन इन केस ऑफ डिसोसिएशन आर एसोसिएशन सो फॉर एसोसिएशन इफ़ यू सी इफ़ टू मालिक्यूल्स क्योंकि मिनिमम दो मालिक्यूल होने चाहिए एसोसिएशन के लिए इफ़ टू मालिक्यूल्स एसोसिएट टू फॉर्म वन बिग पार्टिकल तो हम उसको बोलेंगे डाइमर फॉर्मेशन तो जैसे एसिटिक एसिड को या बेंजोइक एसिड को जब हम बेंजीन में रखते हैं तो वो डाइमर बनाता है दो मालिक्यूल जुड़ के एक बिगर मालिक्यूल बन जाता है तीन जुड़ेंगे तो ट्राइमर बनेगा चार जुड़ेंगे टेट्रामर बनेगा और एन नंबर जुड़ेंगे तो पॉलीमर बन जाएगा तो यहाँ पर अगर वांटा फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन तो एक बिगर पार्टिकल हो गया और पहले दो था तो अब इसकी वैल्यू हो गई पॉइंट फाइव सिमिलरली अगर ट्राइमर बन रहा है तो तीन पार्टिकल जोड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे तो वन टफ फैक्टर की वैल्यू हो गई वन अपन थ्री सो दिस इज़ जीरो पॉइंट थ्री थ्री सो द वैल्यू ऑफ वन टफ फैक्टर कम्स आउट इज लेसर देन वन फॉर एसोसिएशन तो अब जब हम वन टफ फैक्टर की वैल्यू इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जो हमारा मालिकुलर मास आएगा वो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली नॉर्मल मालिकुलर मास के बराबर हो जाएगा तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी पी नॉट ए माइनस पी अपन पी नॉट ए इक्वल टू आई एक्स भी यहाँ पर डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एम डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम और पाई इक्वल टू आई सी आर टी आई सब में सोल्यूट साइड में क्या कर दिया जाएगा इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और ये उस एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को मेजर करेगा जिसके वजह से वहाँ पर क्या आ जा रहा था डिस्क्रिपेंसी आ रही थी दिस फार्मूले विल बी यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ये ध्यान रहे कि अगर आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो एसोसिएट या डिसोसिएट ना हो दिए गए सॉल्वेंट में जैसे ग्लूकोज है सुक्रोज है यूरिया है तो ऐसा अगर कोई कंपाउंड है तो वो क्या होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेकिन अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है सो यू मस्ट यूज़ दिस वंट फैक्टर इन द फार्मूला जब तक आप इसका यूज नहीं करेंगे तब तक आप करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो ये ध्यान रहे ये आप ये नॉर्मल बना सकते हैं कि ये आई हमेशा यूज करेंगे बस जब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो I की वैल्यू वन ले लीजिएगा और जब ये इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आप देख लीजिएगा कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन क्या हो रहा है उसके हिसाब से आप वाटा फैक्टर की वैल्यू रखेंगे तो ध्यान रहे दिस फॉर्मूले विल बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एन ए सी एल या एसिटिक एसिड एसेट इन वाटर एस्टिक एसिड एसेट इन बेंजिन जो डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं तो ये वैल्यू ज़रूर यूज़ करना है ये आपको ध्यान देना है क्योंकि बोर्ड में कई बार बच्चे जल्दीबाजी में इस चीज़ को छोड़ देते हैं तो आदत डालिए कि I की वैल्यू हमेशा यूज करिए इन्हीं फार्मूले का यूज करिए बस ध्यान रहे कि अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू वन रख दीजिए तो अगर I की वैल्यू वन रख देंगे तो वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कोई अंतर आएगा नहीं वन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नाउ कई बार क्या होता है कि जब हम वनठाप फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद भी हमें जो वैल्यू मिलती है वो नॉर्मल मास के बराबर नहीं मिलती है या जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं मिलते फॉर एग्जाम्पल जैसे के है ठीक है तो इसका जो मोला जो फार्मूला यूनिट मास आएगा कितना होना चाहिए सेवेंटी अगर हम ये माने कि ये पूरा हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी और मालिकुलो मास इसका आधा हो जाना चाहिए तो जब मालिकुलो मास आधा होगा और वनठाप फैक्टर की वैल्यू टू होगी क्योंकि डिसोसिएट हो के एक के बनाएगा के प्लस एक माइनस तो टू से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस नॉर्मल वैल्यू मिल जाएगी लेकिन होता क्या है कि जब हम एक सोल्यूशन में इसका मास डिटरमिन करते हैं तो वैल्यू एग्जैक्टली थर्टी ना मिलकर के फोर्टी या दूसरी वैल्यू मिलती है इसका मतलब ये होता है कि जो सोल्यूट है वो 100% परसेंट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा है जैसे यहाँ पर के 100% परसेंट डिसोसिएट नहीं हुआ या जो डिसोसिएटेड आयंस है वो वापस जुड़ के फिर फार्मूला यूनिट बना दिए एक यूनिट में कन्वर्ट हो गए तो ऐसे केसेस में हमें ये जरूरत होगी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है मतलब टोटल कॉन्सेंट्रेशन का कितना पार्ट वहाँ डिसोसिएट हो रहा है हाउ मेनी पार्टिकल्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट आर डिसोसिएटिंग इन द गिवन सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर उसका एक पार्टिकल डिसोसिएट होके एन पार्टिकल बनाता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू आई माइनस वन अपान एन माइनस वन ये फार्मूला आपके एन सी आर टी में नहीं है लेकिन इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है इसीलिए इसको आप याद करेंगे सिमिलरली अगर एसोसिएशन हो रहा है अब मान लीजिए डाइमर बन रहा है तो दो पार्टिकल एसोसिएट होकर एक पार्टिकल बना रहे हैं तो अगर एक ही पार्टिकल एसोसिएट हो तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टू हो जाएगा एन पार्टिकल एसोसिएट होकर एक बिग पार्टिकल बनाए अगर एक पार्टिकल एसोसिएट हो तो वन अपान एन हो जाएगा तो सिमिलरली फॉर एसोसिएशन जब हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स दैट एसोसिएट आउट ऑफ द टोटल पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन आर परसेंटेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट एसोसिएट टू फॉर्म बिगर पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं आउट ऑफ टोटल पार्टिकल वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा सो अल्फा बिल बी इक्वल टू आई माइनस वन अपान वन अपान एन माइनस वन एन है नंबर ऑफ पार्टिकल दैट आर एसोसिएटिंग सो थैंक यू ऑल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल के साथ आपसे वापस मिलेंगे थैंक यू बहुत